अब क्या है कि की इम्पैक्ट क्या रहे हैं यशपाल कमेटी के ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। दो चार पॉइंट हैं, ये पॉइंट रिपीट होने वाले हैं, लेकिन मेन है करिकुलम रिफॉर्म्स है, रिड्यूस किया गया कंटेंट को, है ना। दूसरा टेक्स्ट बुक को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया गया, ठीक, और अननेसेसरी बर्डन बच्चे को नहीं दिया जाएगा ये कहा गया। एग्जामिनेशन रिफॉर्म, एग्जामिनेशन में समेटिव से शिफ्ट आया, एक पैराडाइम शिफ्ट भी बोलते हैं कि समेटिव असेसमेंट से इवेल्युएशन से कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन इधर की तरफ आए। इसमें मेन क्या था, कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन में फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इसको शामिल किया गया कि बच्चा रोज उसको चेक किया जाएगा, उसका उसको फीडबैक दी जाएगी। ये फीडबैक बेस्ड सिस्टम है कि बच्चे ये तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये दो चार गलतियां की है, कल इनको इम्प्रूव कर सकते हो। समेटिव जो इवेल्युएशन थी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं, वो तो फाइनल हो गया, जो हो गया फाइनल टेस्ट हो गए, ठीक। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड ब्रॉडर रेंज ऑफ स्किल की बात की है। कॉम्प्रीहेंसिव कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन मतलब एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों आस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देगी। पैडागॉजिकल चेंज जो मैंने बोला है, पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग की तरफ, इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड, प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट मेथड है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक्स है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, चलो बच्चों आज उस सिचुएशन रियल में ले जाना, बच्चों को विजिट कराना, वहाँ उनसे क्वेश्चनिंग करनी, रिफ्लेक्ट करवाना कि जो बुक्स में पढ़ा है मैच कर रहा है क्या, मतलब इसमें आपने क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट नोट किए, क्या क्या नेगेटिव, ऐसी बातें करके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करवा के टीच करवाना। अच्छा, टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो टीचर्स भी अच्छे पैदा किए जाएं, बीएड एमएड ईटीटी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब के प्री सर्विस टीचर होते हैं ना, प्री सर्विस टीचर वो बीएड होगी, साथ में फिर इन सर्विस भी हो, इन सर्विस टीचर के अब जॉब लग गई है तब भी उनको नए मेथड्स हैं, नई टेक्निक है, उनको रिफ्रेशर कोर्स लगाए जाएं और जो एक्सपर्ट अच्छे टीचर हैं वो मिलाए जाएं, उनकी प्रॉब्लम जो रियल लाइफ में रियल क्लास में आ रही हैं उनकी उस पर डिस्कशन हो, ऐसे कंटिन्यूअस जो है डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो। एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक मीन फिजिकल इमोशनल सोशल, है ना, सारे आस्पेक्ट को फोकस करना है। हमारी पहली एजुकेशन किस पर है, कोग्नेटिव पर, सिर्फ कोग्नेटिव, ओके, उस पर नॉलेज नॉलेज नॉलेज। एजुकेशन बियॉन्ड एकेडमिक, कोरिकुलर को करिकुलर, स्पोर्ट्स कल्चरल, इन सभी को इम्पोर्टेंस देनी है, सिर्फ बुक नॉलेज एग्जाम इसी पर फोकस नहीं रहना। टेक्नोलॉजी इंटेग्रेशन, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जैसे ये वाला है, हाय बहुत अच्छा है भी बहुत, अगर लेकिन यूज़ करना थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग टूल्स, ये सारे यूज़ किए जाएं कि बच्चे को एंगेज किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, ऑथेंटिक उसका इंटरेस्ट पैदा हो कि यस यार मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मैंने तब भी पढ़ना है जब टीचर या पेरेंट्स नहीं कहते। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ लेके जाना, ऐसी टीचिंग हो। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन है, रीड कर सकते हो, ये थी यशपाल कमेटी 93 जो स्कूल पर थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, इसके इफेक्ट सचमुच में रहे हैं, चेंज इंडिया में आया है, लेकिन प्रॉब्लम भी थोड़ी फेस करनी पड़ी है। तो इसके बाद नेशनल पॉलिसी 2020 क्या चेंज लाती है वो देखेंगे, करिकुलम फ्रेमवर्क 23 वो देखेंगे। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।